ओके, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो सीरीज में। तो सीसीएनपी की इस वाली वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं एसटीपी की। तो वीटीपी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीन वीडियो रही थी हमारी। तो वीटीपी के बाद देखिए, उस चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा था ईथर चैनल। तो लेकिन एक्चुअली मैंने प्लान क्या किया था, एसटीपी की वीडियो पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वीटीपी, और फाइनली फिर हम डिस्कस करने वाले थे ईथर चैनल की। बट लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एसटीपी तब पोस्टपोन हो गया था, तो पहले वीटीपी की वीडियो बन चुकी थी। और अब आप समझिए इस बात को कि जब तक आप एसटीपी नहीं समझते हैं ना, तो ईथर चैनल समझना, पोर्ट चैनलिंग और वो सब करना हमारे लिए टफ है, क्योंकि सारी की सारी जो उसकी टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो एसटीपी से ही आएंगी। और ईथर चैनल जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हमारे लिए कौन सी कर रहा है, एसटीपी की ब्लॉकिंग, लिंक ब्लॉकिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले एसटीपी करने वाले हैं, फिर हम ईथर चैनल को समझेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि एसटीपी में अपने को डिस्कस क्या करना है। देखिए, बहुत लेंथी एक प्रोटोकॉल सेट है, ये अकेली प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें तीन प्रोटोकॉल जाती हैं, राइट। तो एक तो ट्रेडिशनल एसटीपी है, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो जो सीएसटी से स्टार्ट हुई थी, कॉमन स्पेनिंग ट्री से। आपके जो स्विचेज से पहले ब्रिजेज आते थे नेटवर्क में, आप यूज करते थे लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएशंस के लिए, तब से ये है, क्योंकि आप ब्रिजेस के टाइम पे भी जब आप ब्रिजेस को इंटरकनेक्ट करते हो एक रिंग में रिडंडेंसी के लिए, तो आपको लूप की प्रॉब्लम आती ही आती है। तो उस लूपिंग को हटाने के लिए आप यूज करते थे एसटीपी। ठीक है, उस टाइम पे जब इतना कोई इश्यू नहीं था हमारे पास कि भाई कोई फास्ट कन्वर्जेंस या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशंस उस टाइम नहीं थी जो टाइम स्पेसिफिक थी कि उतने टाइम पीरियड तक अगर वो नहीं चलती हैं तो टाइम आउट हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी जो आज के नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो लेटेंसी, डिले, कन्वर्जेंस बहुत बड़े फैक्टर हैं, टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें क्या करना पड़ा, फिर इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ी। तो पहले एसटीपी में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर आप देखें सबसे पहले कि नीड समझनी है अपने को, तो ठीक, सबसे पहले ये जो कुछ पार्ट है यहाँ पे कि नीड क्या है एसटीपी की, और रिडंडेंसी जो हमारे पास रहती है जो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप नेटवर्क डिजाइन की भी बात करते हैं तो उसमें एक मेन फैक्टर आता है स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी के साथ साथ रिडंडेंसी, कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, लिंक का भी बैकअप होना चाहिए और आपके पास डिवाइसेस का भी बैकअप होना चाहिए। अब जैसे ही आप स्विचेस को रिडंडेंट करते हैं इस तरह से लिंक्स के थ्रू, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो उसके केस में आपने एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक, कि मान लो अगर ये वाला जो स्विच था वो फेल होता है तो आपने उसको क्या किया, इस स्विच के साथ और जोड़ दिया है। ठीक है, इस स्विच को भी आपने इस स्विच के साथ जोड़ दिया, और ये स्विच तो आपके ट्रंक लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं सारे के सारे। अब हो क्या रहा है, देखिए आपके पास ना मल्टीपल पाथ क्रिएट हो रहे हैं। मान लो ये कोई सोर्स था और ये कोई डेस्टिनेशन है, किसी क्लाइंट को किसी सर्वर तक जाना था। तो अब देखो, अगर ये होते राउटर आपके पास, ठीक है, तो राउटर्स का तो काम क्या है, राउटिंग, और उनके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है टीटीएल का मैकेनिज्म, टाइम टू लीव। इसके पास कोई पैकेट आएगा, उस पैकेट के अंदर एक डिफॉल्ट टीटीएल की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 255, वो उसको -1 करके भेजेगा डिक्रीज। तो इसमें टीटीएल का कॉन्सेप्ट चलता है, तो लूप का जो प्रिवेंशन है वो ऑटोमेटिक है, जो आपकी इनबिल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, या फिर इवन आपके आईपी प्रोटोकॉल के अंदर भी लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म रहता है। पर जब स्विचेस की आप बात करते हैं ना, तो स्विचेस के अंदर ये लग्जरी हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली एक अलग से प्रोटोकॉल इंडस्ट्री को डेवलप करनी पड़ी, जिसका नाम उन्होंने रखा स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका नाम का भी बहुत अच्छा एक मीनिंग है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं तो आने वाले टॉपिक्स में। पर फिलहाल एक बेसिक आइडिया समझिए, एसटीपी नेटवर्क में लूप्स को रोकने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम समझेंगे सबसे पहले लूप क्या है, कैसे क्रिएट हो सकता है, ब्रॉडकास्ट टॉम क्या है और ये सब। उसके बाद एसटीपी की वर्किंग को जानेंगे कि एसटीपी जो अपने काम करता है उसके लिए कुछ हेलो मैसेजेस यूज करता है, क्योंकि हमें पता है एसटीपी क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहती है सारे सिस्को स्विचेज में, आपको कुछ नहीं करना। हाँ, ये जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे हम ट्रबल शूटिंग के लिए डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी एंटरप्राइज किसी नेटवर्क में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई आपका स्लो होता है नेटवर्क, या फिर कोई उसमें नेटवर्क में डाउन टाइम आता है एसटीपी की वजह से, उनको आप आइडेंटिफाई कर पाए और उसको आप रेक्टिफाई कर पाए, उसके लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और हाँ, दूसरी चीज होती है कि एसटीपी के बेसिक जो फंक्शंस हैं, जो डिफॉल्ट फंक्शन है, उनको आपको एनहांस करना है, या फिर कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स आपको डालने, तो इसीलिए भी एसटीपी पढ़ना पड़ता है आपको, एसटीपी को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप स्विच खरीदेंगे, उनको इंटरकनेक्ट करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। आप डिफॉल्ट में अगर छोड़ेंगे और अपने नेटवर्क को, छोटा मोटा नेटवर्क है या फिर मान लीजिए उतनी आपको परफॉर्मेंस और वो सब नहीं चाहिए है, तो आप उसको डिफॉल्ट पे भी छोड़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि
किस तरह की एसटीपी की टोपोलॉजीज के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, टाइमर्स कौन से, तो ये जो बातें लिखी हमने, आप देखोगे यहाँ पे अगर, तो ये जो फीचर्स हैं आपके, ये कुछ फीचर्स आपके आते हैं एसटीपी की एनहांसमेंट्स के लिए, जैसे कि अच्छा शायद नीचे लिखे होंगे मैंने, और ये जो मैंने फीचर लिखा ये है एसटीपी की प्रोटेक्शन के लिए। ये जो तीन चार फीचर लिखे हैं, रूट गार्ड है आपका, लूप गार्ड है, बीपीडीयू गार्ड है, और ये जो पोर्ट फास्ट वगैरह है ये आपके किसके लिए यूज होता है, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, वो है एसटीपी को फास्ट करने के लिए, उसके प्रोसेस को। ठीक, अब आप कहेंगे कि आप एसटीपी एसटीपी बार बार यही डिस्कशन आ रहा है, तो चलिए क्यों ना स्टार्ट करें एसटीपी को समझना। राइट, तो एसटीपी को समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक तो ये समझना होगा कि नेटवर्क डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है वो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि मेन फैक्टर जब डिजाइन आप कर रहे हो नेटवर्क में तो रिडंडेंसी है आपके पास, लिंक की भी रिडंडेंसी और आपके नेटवर्क डिवाइसेस की भी रिडंडेंसी। उसकी वजह से आपका नेटवर्क में क्या आता है, लूप का कंसेप्ट। ठीक है, कि जब आपके मल्टीपल स्विचेज एक रिंग में एक दूसरे से जुड़े हैं तो आपके सोर्स के फ्रेम को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, क्लाइंट को सर्वर तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ हैं, लूप के चांसेस बनते हैं, उन लूप को रोकने के लिए आपका क्या है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए बिल्कुल। एसटीपी का नाम आते ही आपके ब्रेन में सबसे पहली इमेज क्या बननी चाहिए, लूप की। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखी है सारी बातें ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, पैकेट ट्रेसर में चलते हैं एक बार, कि क्योंकि जीएनएस में क्या है ना, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम इसमें क्या देख पाए, वो पैकेट का फ्लोर हुआ सब, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक स्विच लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि आप जब भी कोई स्विच लो, लेयर टू का स्विच हो या आपका लेयर थ्री का स्विच हो, डजेंट मैटर, आप जब उसके साथ कोई एंड डिवाइस लगाते हैं, ठीक, चाहे आपका ये पीसी हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, या फिर आपके आईपी फोन हो, वट एवर कुछ भी एंड डिवाइस रहेगा आपका, जब आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क पे उस स्विच के थ्रू, आप देखिए जरा ये क्या कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। ठीक है, अब ये आप अगर नोटिस करेंगे तो 30 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे टिपिकली मिलता ही मिलता है। ठीक, ये क्यों हो रहा है इसको हमने समझना है, जो हमारी अगली वीडियो रहेगी फंक्शनिंग ऑफ एसटीपी में, और कन्वर्जेंस जो है आपकी, कन्वर्जेंस टाइम जो एसटीपी का है उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। बट बेसिकली ये हो क्या रहा है, आपका वही काम कर रहा है जो मैंने आपको बोला अभी, और वो काम क्या है आपका, लूप प्रिवेंशन। ठीक, तो ये सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा, अगर तो ये बिल्कुल ब्लॉक होंगे लिंक्स, अगर आप इन दो स्विचेज को जोड़ोगे तो ये आपको बिल्कुल रेड कलर के मिलेंगे। अभी नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, एक और ट्राई करते हैं। मान लो मैं क्या करूं, दो स्विच लो यहाँ पे और इनको अगर आप कनेक्ट करें एक दूसरे से, तो ये देखिए आपको बिल्कुल रेड दिख रहे हैं ना, इसका मतलब अभी टोटल ब्लॉक है सब कुछ, कोई फ्रेम इनकमिंग वगैरह कोई डेटा कुछ नहीं है। कुछ टाइम के बाद अब ये क्या होंगे, देखो अब ये एम्बर या क्या कह सकते हो इसको आप, थोड़ा सा येलोइश कलर के हैं आपके, ऑरेंज कलर के आई थिंक, हाँ येलो तो नहीं है। तो उसके बाद अगर ये धीरे धीरे कुछ टाइम, ये सब डिस्कस करेंगे, एक वीडियो रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसटीपी की स्टेट्स के बारे में। तो ये कुछ टाइम लेता है, पहले आपका ब्लॉक करता है सारे के सारे डेटा को, फिर वो लिसन करेगा मैक एड्रेसेस को, फिर लर्निंग स्टेट में डालेगा। देखो अभी अगर आप इस पर कोई डिवाइस पे मैक एड्रेस वगैरह डालेंगे ना स्टेट में, तो ये कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक, लेकिन जब वो लर्निंग स्टेट में ऐड करेगा लिसनिंग से, तब वो मैक एड्रेसेस लर्न करेगा, पर डेटा ये अभी भी फॉरवर्ड नहीं करता, डेटा सिर्फ तभी फॉरवर्ड करेगा जब ये टोटली ग्रीन उसमें आ जाते हैं, मींस मतलब क्या हुआ, फॉरवर्डिंग की स्टेट में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस था कि एसटीपी क्यों इतना टाइम लेता है और इन लाइटिंग्स का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली अगर आप नए हैं नेटवर्क में, जैसे एनए के लेवल पे, तो आप जाते स्विच पे लगाते हो अगर, तो आपको डायरेक्ट ग्रीन नहीं दिखता। अब ये नहीं समझना कि ये स्विच खराब है या पोर्ट खराब है, नहीं, वो उसका एक बेसिक बिहेवियर है एसटीपी की वजह से। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये लूप प्रिवेंट कैसे करता है। ठीक, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा और कई सिनेरियो बताऊंगा कि लूप कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक स्विच आपके पास है, एक और स्विच है, और इन दो स्विचेस को आपने यूज कर लिया। मान लीजिए ये एक स्विच आपके फर्स्ट फ्लोर पे था, एक आपका सेकंड फ्लोर पे है, और ऐसा ही एक स्विच आपके थर्ड फ्लोर पे है। इस तरह से आपने इंटरकनेक्ट कर रखे हैं और इनको आपने जोड़ दिया किस, ये आपके कौन से हैं मान लो, अच्छा इनको थोड़ा सा हम क्या करें, अगर एक रियलिस्टिक सिनेरियो से जोड़ के देखें, मान लो ये मेरे एक बिल्डिंग के अंदर एक्सेस स्विचेस होंगे। ठीक है, और एक्सेस स्विचेस हम जनरली अभी तक लेयर टू नेटवर्क्स में कौन से प्रेफर करते हैं, आपके ये नॉर्मल स्विचेस जो आपके लेयर टू स्विचेस है। ठीक है, अब इनको आपको एग्रीगेट करना है, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। एक्सेस स्विच किस पे आप कनेक्ट करते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे। अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था सीसीएनए में भी, अगर आपने हमारी सारी प्लेलिस्ट देखी है सीसीएनए वाली ना, तो उसमें कैंपस एरिया नेटवर्क का हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें हम मैं ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं। आपने अगर वो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपके उसमें। ठीक है, अब आप इस तरह का अगर एक नेटवर्क देखें, तो ये आपकी पहली बिल्डिंग हुई। ठीक है,
फिर आपका एक दूसरी बिल्डिंग का ऐसा ही आर्किटेक्चर बनेगा, फिर ऐसा ही आपका एक तीसरी बिल्डिंग का भी आर्किटेक्चर हो सकता है। अभी क्या है, ये सारे स्विचेस क्या होंगे, फिर एग्रीगेट होंगे एक कोर स्विच पे, मेन स्विच जो आपके कैंपस में आपके सर्वर रूम में रखा रहता है वो रहेगा कुछ इस तरह से। चलिए अब मान लो हमने क्या किया, एएस को एग्रीगेट किया डीएस पे, और डीएसएस को एग्रीगेट करना है कहां पे, आपके सीएस पे, यानी कि आपके कोर स्विच पे। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, सिस्को के थ्री लेयर हायरार्किकल मॉडल की, जो सिस्को बोलता है कि अगर आपको कैंपस या एंटरप्राइज के नेटवर्क डिजाइन करने तो आप ऐसे करिए, ठीक, अपने एंड डिवाइस जोड़िए, एक्सेस स्विचेस पे, इन पे क्या जुड़ते हैं आपके ये जो एंड के पॉइंट्स है, चाहे सर्वर हो, चाहे पीसी हो, फोन हो, एक्सेस पॉइंट हो, इस तरह से आप कहां पे जोड़ते हो, ये एक्सेस वाले स्विचेस पे। चलिए अब इनको एग्रीगेट करने के लिए आपको कहां जोड़ना है, डीएस पे, और डीएस को एग्रीगेट कौन करता है, आपका कोर स्विच। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, उस प्रोजेक्ट वाली वीडियो में आप देखोगे तो बहुत सारी क्लैरिटी, एक डेढ़ घंटे की वीडियो है वो, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। अच्छा नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हैं, जब सीसीएनपी का हम डिजाइन वाला पार्ट करेंगे तो उसमें भी ये चीजें डिस्कस करने वाला हूं मैं। चलिए जी, तो अभी तक अगर आप देखो यहां पे, और कोई भी लूप का सिनेरियो मेरे पास नहीं है। मान लीजिए अगर एक इवन यहां पे भी आपने कोई एक्सेस स्विच लगा रखा है, मान लो एक टिपिकल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बता रहा हूं किस तरह से रहता है, कि इस पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कोर पे नहीं मिलता, तो डीएस के साथ ही एएस जुड़ा मिलेगा, पर अभी तो हम सिर्फ क्या है ट्रेनिंग के लिए ये सारा डिस्कस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो अभी कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलिए, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी जगह की भी कमी है इस पैकेट ट्रेसर का, ये देख रहे हो ना जो आप वर्किंग एरिया, थोड़ा सा मेरे को कम पड़ रहा है। चलो एनीवे, यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप इसको एक फ्लैट लेयर टू नेटवर्क रख के चलते हैं, मान लो मैंने क्या बोला कि ये सारा का सारा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, मैंने इसमें अभी तक कोई वीलैन नहीं बनाई है, सारे की सारी वीलैन कौन सी चल रही है आपकी, वीलैन वन, सारे पोर्ट्स और सब कुछ उसी के अंदर है, और मैंने कोई ट्रंकिंग नहीं करी है अभी तक, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारा का सारा जो नेटवर्क है वो कैसा चल रहा है आपका, लेयर टू सिंगल वीलैन और सिंगल ब्रॉडकास्ट, तो ये सारे जो डिवाइस आएंगे आपके सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, ठीक है। अब अगर आप इस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक, आर्प वगैरह का कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि इस क्लाइंट को सर्वर से एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले तो आपके पास मैक एड्रेस नहीं है, आप मैक एड्रेस लर्न करेंगे, पूरा फॉरवर्डिंग चलेगा, ये ब्रॉडकास्ट गया, अब आपके पास मैक एड्रेस आया, अगली बार जब आप अपना डेटा भेजेंगे वो सिर्फ किसके पास भेज रहे हैं, सर्वर के पास, ठीक, ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब इसमें लूप का कोई गेम नहीं है आपके पास, चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें रिडंडेंसी क्रिएट करता हूं। अब आप सोचिए, अगर आपके पास ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लिंक गया, तो क्या आप यहां से यहां कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्या, नो वे, कोई रास्ता ही नहीं आपके पास, एक ही लिंक था वही ब्रेक हो गया, तो एक तो आपको लिंक की रिडंडेंसी चाहिए, दूसरा मान लो आपका ये स्विच ही डाउन हो गया तब क्या करेंगे आप, ठीक, तो तब भी आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो इस वजह से क्या करना पड़ता है कि आप बहुत सारी जगह तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि ये जो एंड डिवाइसेस थे वो उस एक्सेस स्विच पे भी जुड़े हुए हैं, पर वो एक रेयर सिनेरियो, वो हम कभी, मैंने तो देखा कि ऐसा कोई यूज करता हो, पर कई डिजाइन बुक्स में मैंने ऐसा देखा है कि यू कैन डू दैट। चलिए तो अभी मैं क्या करता हूं, इस स्विच को कनेक्ट कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने अपने एक डीएस को दूसरे डीएस से भी जोड़ दिया है, ठीक है, और इस डीएस को मैंने इससे भी जोड़ दिया है, ठीक है, और ये जो डीएस मेरा जुड़ा है इस कोर से तो जुड़ा ही था, ठीक, और मान लो इस तरह का अगर आपके पास एक सिनेरियो बनता है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, अच्छा इसको थोड़ा रियल टाइम में आके मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूं और थोड़ा सा इसको टोपोलॉजी को कर लेते हैं, ठीक, जस्ट गिव मी सम टाइम, ये आपको अलग से क्लियर दिखना चाहिए, और उसके बाद मैं थोड़ा इसको भी, अच्छा अब आप यहां पे थोड़ा देखिए, इस तरह का सिनेरियो बन रहा है हमारे पास, और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं कि एक लूप का चांस मेरे पास है, कैसे लूप का चांस, आप देखिए जब मैं डेटा फॉरवर्ड करूंगा, अभी सेम एग्जांपल जो मैंने लिया था कि यहां से ये आपका सोर्स और इधर आपको भेजना है ये डेस्टिनेशन, तो आपके पास देखो पहले तो सिर्फ सिंगल पाथ था, आपने यहां भेजा, यहां से यहां भेज दिया, पर अभी आपके पास एक तो ये पाथ है फर्स्ट, और अभी आपके पास क्या है कि ये सेकेंड पाथ है, एक आपके पास ये थर्ड पाथ है। अब ये राउटर्स नहीं है, मैंने बताया था राउटर तो तीन अवेलेबल पाथ में से एक सिंगल बेस्ट चुन सकते हैं, पर ये स्विचेस है, इसके अंदर क्या बनेगा, एक लूप बनेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार क्रिएट करके। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था एसटीपी इनेबल रहती है, पर आप यहां पे क्या कर दो, डिसेबल, आप इसकी सीएलआई में जाइए, इनेबल कॉन्फ,
नो स्पैनिंग ट्री, अभी फिलहाल सिर्फ कौन सी वी लेंथ चल रही है आपकी, वन, तो उसी के लिए हम क्या कर देते हैं स्पैनिंग ट्री को डिसेबल। ठीक, और कैसे चेक कर सकते हो स्पैनिंग ट्री चल रही है, आप शो स्पैन करोगे शो स्पैनिंग ट्री, अभी देखो कोई स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि मैंने हटा दिए। इसके अंदर चेक करोगे तो देख लेते हैं एक बार इसमें स्पैनिंग ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको, शो स्पैनिंग ट्री, ये देखिए आपको है, तो इसमें आप कर देंगे अगर नो स्पैनिंग ट्री तो इसमें भी नहीं चलेगी, डू शो स्पैनिंग ट्री तो कोई इंस्टेंस नहीं है, मतलब आपने एसटीपी को डिसेबल कर दिया। करना नहीं होता, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि लूप कैसे बनेगा, क्या लूप है और इसका इतना लफड़ा क्यों है। तो पेस्ट करिए जरा इसको भी, स्पैनिंग ट्री हटा दीजिए यहाँ से और सेम आप कर दीजिए यहाँ पे भी। मतलब मैंने क्या कर दिया, ये एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जहां पे अभी मेरे पास ऐसी कोई प्रोटोकॉल, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो लूप को रोक सके। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप देखिए ये करने लगे ना ब्लिंक, तो ये ब्लिंकिंग आपकी क्या दिखा रही है, एक तरह से लूप ही दिखाती है आपको नेटवर्क में। अब मैं आपको यहाँ पे भेज के दिखाता हूँ अगर डेटा, तो आप इसको हटाइए। अब देखिए पैकेट ट्रेसर भी ना स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरा बिल्कुल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी सिस्को ने फील दिया है कि आपका पैकेट ट्रेसर भी रियल सिनेरियोज की तरह, रियल सिमुलेशन टूल्स की तरह, जैसे GNS3 तो उसकी तरह थोड़ा एक्ट करने लगता है, पर वो इतना ट्रू नहीं है, बट एनीवे आपको आएगी थोड़ी सी फीलिंग अभी पुराने वाले वर्जन के कंपैरिजन में, नए वाले में थोड़ा सा है ये फर्क। अब मान लो आप यहां से कोई डेटा भेजना चाहते हो अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है, जैसे ही आप अपने स्विच तक भेजते हो, ये क्या कर रहा है आपके इधर वाले स्विच को, ठीक है, ये मेरे को सिमुलेशन पूरा एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है, हो सकता है कि मैंने बड़ी टोपोलॉजी बना इसमें। देखिए अगर आपको लग रहा हो ना कि आपके लैपटॉप में या ऐसा कुछ दिक्कत है, तो नहीं, ये लैपटॉप का नहीं है, ये पैकेट ट्रेसर का ही बग कह लो, या फिर इसकी वर्किंग मैकेनिज्म ऐसा कि ये हैंग सा हो गया एकदम से, पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बट एनीवे हो क्या रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको टाइम दूं, ये देखो अब इसने किसको भेज दिया वापस इधर, ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी ऐसे ही भेजता रहेगा। अगर थोड़ा टाइम के बाद आप इसको देखोगे, आप अपने उसमें करके देखना, और नॉर्मली ये इतने सारे स्विच मत लगाना, दो तीन तीन चार स्विच एक रिंग में, मैं आपको वैसे पीडीएफ में भी दिखाऊंगा, ये सारा क्रॉस आता रहेगा। हो क्या रहा है, मतलब ये स्विच, देखो मैं थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूँ आपको, ये जो स्विच होगा जिसने रिसीव किया था, अभी इसके पास लूप को रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो ये इधर भी आपका भेजता है और इधर भी, मीन्स स्विच किस पे काम करता है, जब अननोन आपके पास डेस्टिनेशन मैक होता है तो ये क्या करता है आपका ब्रॉडकास्ट, तो इसने इधर भी ब्रॉडकास्ट किया, इधर भी ब्रॉडकास्ट, इसने रिसीव किया तो ये भी इधर ब्रॉडकास्ट करेगा और इधर भी ब्रॉडकास्ट करेगा, ये रिसीव करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा का सारा ब्रॉडकास्ट चलता रहेगा और नेटवर्क में आपका जो फ्रेम था वो ऐसे घूमता रहेगा, ब्लैक होल की तरह एक टाइम ऐसा आएगा आपकी पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर जाएगा, पूरा नेटवर्क आपका क्या होगा डाउन। इसीलिए लूप को इतना बड़ा डिजास्ट्रस फिनोमिना, सबसे डेंजरस फिनोमिना बोलते हैं नेटवर्क के अंदर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि लूप क्या है, इतना डेंजरस क्यों है, किस वजह से बनता है। इसीलिए नेटवर्क्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कौन सी प्रोटोकॉल चलती है, जिसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री, ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। अगर मैं सभी पे स्पैनिंग ट्री रन कर देता हूं तो ये सारा जो आपका लूप है वो अपने आप से डिसेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिस्को का, और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी आपको किसी लेयर टू नेटवर्क में, एंटरप्राइज या किसी उस तरह के नेटवर्क में काम करना है, तो आपको स्विचेस पे डील करना है। स्विचेस पे डील करना मतलब आपको एसटीपी, और एसटीपी मींस की मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डील करना ही करना है, इसकी ट्रबल शूटिंग करनी ही करनी। अब ये देखो अगेन वही टाइम ले रहा है आपके ग्रीन या अप आने में, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं रियल टाइम में जाके, और उसके बाद अब मैं आपको भेज के दिखाऊं डेटा, तो सक्सेसफुली आप अपना डेटा सेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जब आप ट्राई करते हैं तो ये देखिए स्मूथली आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब रीजन थोड़ा सा अगर आप इसको यहाँ पे देखें कि ऐसा क्या हुआ होगा, एसटीपी ने ऐसा क्या किया होगा कि भाई आपका जो लूप है वो नहीं बन पा रहा है अभी, ठीक है, तो थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करिए जरा। चलो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, ये लिंक कैसा है, ग्रीन दिख रहा है, इसको भी अगर थोड़ा स्विच को इधर उधर करके देखो ग्रीन मिलेगा, सारे ग्रीन, पर एक ये यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि ये आपको ब्लॉकिंग स्टेट में दिख रहा है। मतलब क्या करती है एसटीपी कि जो भी रास्ता ऐसा दिखता है जिसकी वजह से आपका लूप बन सकता है नेटवर्क में, उसको ब्लॉक कर देती है। देखो डाउन नहीं करती, डाउन का मतलब क्या हुआ, वो पोर्ट ही बंद कर दिया, ये रेड हो गया, नहीं, डाउन की वजह से क्या करती है, ब्लॉक। मान लो कल को ये अगर लिंक फेल होता है तो ये अब जो पहले ऊपर वाले लिंक से फ्रेम जा रहा था वो कहां से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, यहां से, और हो सकता है ये इधर से ही जाए डेटा। तो ये डाउन, ये ब्लॉक है, इमरजेंसी के लिए है कि जब भी आपके मेन लिंक फेल हो तो ये इससे डाटा ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे। तो आई होप ये लूप का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। तो वापस चलते हैं एक बार अपनी पीडीएफ की तरफ, और
अब ये सारा आपके थ्योरेटिकल रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिएगा जरा। तो बात हम कर चुके हैं रिडंडेंसी की, क्यों जरूरत पड़ती है अपने को, प्रॉब्लम क्या है जब आप रिडंडेंसी यूज करते हैं। ठीक, ब्रॉडकास्ट टाउन मैंने आपको अभी दिखाया जब ESTP डिसेबल करके, मैक एड्रेस टेबल इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ, देखो जब आप वो नो स्पैनिंग ट्री करके और जब आप अपने स्विचेस के अंदर शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे ना, तो उसमें एक बार तो आपको एक पोर्ट पे एक मैक एड्रेस दिखेगा, दूसरी बार दूसरा दिखेगा। क्योंकि देखो समझो क्या हो रहा है कि ये जो स्विच है, मान लो इसके 0/1 पे कोई डिवाइस लगा है, ठीक, और इसने जब ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, इधर वाली साइड भी भेजा होगा, इधर वाली साइड, तो हो सकता है कि इस टाइम कोई और फ्रेम रिसीव हुआ जो किसी और सोर्स ने भेजा था, तो वो उसका मैक एड्रेस उठा लेगा। अगली बार हो सकता है इधर से कोई फ्रेम आया हो तो जो किसी और स्विच ने भेजा हो, तो उसमें कोई और मैक आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी टेबल जो है स्विच की, वो मैक एड्रेस टेबल हमेशा चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट मैक टेबल। और हमेशा आप याद रखिएगा, चाहे राउटर हो, चाहे आपका स्विच हो, जो टेबल है उसकी, चाहे राउटिंग टेबल हो, चाहे मैक एड्रेस टेबल, वो जितनी कंसिस्टेंट रहेगी उतना ही आपका बेहतर एक नेटवर्क डिजाइन होता है। ठीक है, चलो BGP जैसे केस में हम मान लेते हैं कि वो तो इतनी बड़ी प्रोटोकॉल, इतने बड़े नेटवर्क को डिजाइन संभालती है, उसको हैंडल करती है, वहां पे लाजमी है कि आप अपनी टेबल को कंसिस्टेंट नहीं रख सकते। लेकिन इस तरह के नेटवर्क में जहां पे जितना पॉसिबल हो, तो वो माना जाता है कि उतना ही अच्छा एक नेटवर्क है जितनी आपके पास क्या रहती है, कंसिस्टेंसी आपकी टेबल्स आपके डेटाबेस के अंदर। चलिए, तो ये लूप कैसे बनता है, इस तरह के सिंगल जो आपके लीनियर कनेक्शन, उसमें कोई लूप नहीं बनेगा, लेकिन जब भी आप स्विच टू स्विच कोई रिडंडेंट कनेक्शन, मैंने बताया था ये लिंक के लेवल का कनेक्शन है रिडंडेंट, यहां पे लूप होगा, तो इसलिए STP ने क्या किया, एक लिंक को ऑन रखा, दूसरे को ब्लॉक कर दिया। और इस तरह से जब आप रिंग में, मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये तो सिर्फ वही है ना टेस्टिंग यार पढ़ाने के लिए बना दिया कि इस तरह से लूप बनेगा, पर मैंने आपको एक्चुअल दिखा दिया कि जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स है बहुत सारे, जहां पे आपके फ्लोर्स है, बिल्डिंग्स है, स्विचेस लगे हैं, ASDS, उसमें एक्चुअली किस तरह से लूप बनते हैं वो मैंने आपको दिखाया करके अभी। और इस तरह का भी हो सकता है बिल्कुल, तो वहां पे मैं क्या कर सकता था, एक DS टू दूसरे DS मल्टीपल लिंक लगा सकता था, और DS टू CS भी मल्टीपल, और ये होता है बहुत अच्छे जो नेटवर्क डिजाइन है वहां पे इस तरह से लगाते हो। अब आप कहोगे कि ये तो फिर लिंक ब्लॉक हो गया, इतने महंगे लिंक आते हैं 10G के, आपके 1G के, फाइबर के, ब्लॉक करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा आपका। तो वहां पे फिर हम उसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है ईथर चैनल। मैंने आपको बताया था STP को समझे बिना ईथर चैनल को समझना इट्स लाइक डजंट मेक अ सेंस, इसलिए हम बाद में ही ईथर चैनल को डिस्कस करेंगे। ब्रॉडकास्ट टोन मैंने आपको बता दिया, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे STP के फंक्शंस की। काफी हद तक हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पर देखते हैं कि कुछ नया होगा तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे कुछ और बात करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।